पहले तबादले फिर पाबंदी, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को ना हटाने की सिफारिशें काम कर गई। सूबे भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों पर पाबंदी आए। वजीर आला पंजाब ने अराकीन असेंबली की सिफारिशात पर पाबंदी लगा दी। तबादलों से कबल वजीर आला को पेश की इतला देना लाजमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत के 100 रोजा प्लान में तलबा यूनियन की बहाली का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 34 साल कबल 1984 के मार्शल लॉ दौर में लगी पाबंदी ताहाल ना उठाई जा सकी। हायर एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ने यूनियन की बहाली का मुसवदा तो तैयार किया, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। शहर लाहौर की सबसे बड़ी कायदे आजम लाइब्रेरी इंतजामी बोहरान का शिकार। 2015 से किताबों की खरीदारी के लिए कमेटी ही ना कायम हो सकी। बुक सिलेक्शन कमेटी की अदम मौजूदगी, फंड जाया, मेंबरान जदीद इल्म से महरूम हो गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखले किस तरह होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने दाखिलों का तरीका कार वजह कर दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज UHS की लिस्ट के मुताबिक ही दाखिला कर सकेंगे। प्राइवेट कॉलेज में दाखिले के लिए मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल का अथॉरिटी लेटर भी जरूरी करार। ऑडियो लीक स्कैंडल, अंदरूनी इख्तलाफात, गिले शिकवे PTI इत्तेहाद के गले पड़ गए। सेनेट की दोनों नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन, स्पीकर के इलेक्शन का रीप्ले साबित हुआ। स्पीकर के इलेक्शन में नून लीग के 12 वोट परवेज इलाही की झोली में गिरे। सेनेट के जिमनी इलेक्शन में PTI को अपने ही 5 वोट कम मिले। नून लीग के वोट बैंक में इजाफा, 4 वोट ज्यादा मिल गए। नई सूरत हाल, PTI के हुक्मरान इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी। पंजाब असेंबली सेनेट का जिमनी इलेक्शन, PTI ने दोनों नशिस्तें जीत लीं। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और CMSD सेनेटर मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल 184 वोट, साउद मजीद 176 वोट, 7 वोट मुस्तरद। CMSD 183 वोट लेकर कामयाब। उनकी मदे मुकाबल सायरा अफजल तारण को 175 वोट मिले। विमेन नशिस्त पर 9 वोट मुस्तरद करार। मैं समझती हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह मिनिस्ट्रियों के लारे लगाए गए, जिस तरह के फंड्स के लोगों के साथ लारे लगाए गए, और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि नतीजा तो अल्लाह ताला के पास था, लेकिन इन दिनों में हमने इनको वक्त बड़ा डाला है और इनकी नींदें उड़ी हुई थी और इनको हलफ, कल पार्लिमानी पार्टी में कुरान पे हलफ लिए जा रहे थे। हमने हरीफों को वक्त डाल दिया, नामसाद हालात के बावजूद पार्टी मुत्तहद रही। मौजूदा हुकूमत की कोई रिट नहीं, लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकी। नून लीग की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, मुझे 176 वोट मिले, 3 मुस्तरद हुए, अरकान ने 6 जायद वोट दिए। बाजमीर अरकान ने तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग उम्मीदवार साउद मजीद। पंजाब हुकूमत और PTI की हुकूमत पे नो कॉन्फिडेंस है कि हमारे अपोजिशन में होते हुए भी हर दफ़ा वोट पहले से बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 179 का फिगर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगले 1.5-2 महीने में अगर कोई नया इलेक्शन आया तो आप ये यकीन रखें कि ये 179 इंशाल्लाह 189 हो। बहुत से पार्टी के कायदीन ने इसमें हमारी रहनुमाई की है, मेरी और CMSD साहिबा की। मैं इनफरादी तौर पे अगर नाम लेना शुरू करूं तो मुझसे गलती हो सकती है कि किसी का नाम भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं इनफरादी तौर पे उन सब का बजाते खुद शुक्रिया अदा करने उनके घरों पे जाऊंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने चेयरमैन और PM इमरान खान की कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे ये सीट कैंडिडेट वोट दिया, नामजद किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं जो यहाँ पे सारे लोग आए हैं, जो हमारे पूरे सूबे से आए हैं, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारे लिए वोट किया। PTI के दोनों कामयाब उम्मीदवारों का इजहार तशक्कुर, सेनेट की नशिस्त के काबिल समझा, वजीर आजम इमरान खान का शुक्रगुजार हूं। साथ देने पर पार्टी अरकान असेंबली, आजाद अराकीन और हलीफ जमातों का भी शुक्रिया। 9 मुंतखब सेनेटर वलीद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, सेनेट के लिए चुनने पर चेयरमैन इमरान खान की मशकूर हूँ, हम दोनों अक्सरियत से जीते हैं। अकलियती और आजाद अराकीन का भी शुक्रिया। CMSD महमूद रशीद बोले,
सोशल मीडिया पर किया गया प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा साबित हुआ। पीटीआई की जीत के बाद नून लीग को दिन में तारे नजर आ गए। मैं तमाम एमपीएस का और इत्तेहादी जमातों के तमाम एमपीएस का और पीटीआई के तमाम एमपीएस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पीटीआई के जो दोनों उम्मीदवार थे जो हर लिहाज से मेरिट पर पूरा उतरते थे उनको कामयाब करवाया। ये हमारे मेंबर हैं, खुदा का खौफ करें आप। ये क्या ये असेंबली है? बदमाशी लगाई हुई है यहाँ पे। ये कोई थाना नहीं है यार, आप क्या कर रहे हैं? आप धक्के दे रहे हैं, ये हमारे एमपीएस हैं इनको धक्का दे रहे हैं आप यार। वो खुदा का खौफ करें आपकी वाली बात। ये स्पीकर साहब के अपना इंस्ट्रक्शन पे आप ये काम कर रहे हैं? आज सेनेट का इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन, लीगी अरकान की असेंबली सिक्योरिटी गार्ड से झड़प। हमजा शहबाज गेट पर स्टाफ को रोके जाने पर बरहम। सिक्योरिटी गार्ड से तलख कलामी। स्पीकर के कहने पर हमारे मौजूद अरकान को धक्के दिए गए। हमजा शहबाज ने सिक्योरिटी गार्ड को पीछे हटा दिया। हमजा के जाने के बाद लीगी अरकान सिक्योरिटी गार्ड से फिर उलझ पड़े। गार्ड से मरकजी गेट बंद कर दिया। लीगी अरकान ने वॉक थ्रू गेट हटा दिया। फुटपाथ पर धरना, गार्ड से तलख कलामी। हमें वोट नहीं डालने दिया जाता। अब ये सेनेट के वोट जो है मेंबरान को रोक रहे हैं, जबरदस्ती इस तरह से कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पे हार नजर आ रही है। इन्होंने क्या इस तरह वोट का हक छीना जाए? पहले ढाका डाला 12 वोटों का, अब इस तरह हक छीना जाएगा, दरवाजे बंद। स्पीकर परवेज इलाही की हमजा शहबाज के इल्जाम की तर्दीद। बोले, किसी को रोका ना, दरवाजे बंद किए। नून लीग ने अपनी मर्जी से एहतजाज करके माहौल खराब किया। पंजाब की कारकर्दगी में सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपको है तो वो क्या है? कोई भी चैलेंज नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी ये बता दीजिए कि जो 100 दिन का प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है, कैसी कारकर्दगी जा रही है? उसकी प्रेजेंटेशन हम देंगे डिटेल में, तो आप सब लोगों को बुलाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं, सब कुछ ठीक है। 100 रोजा पूरे होने दें, फिर बताएंगे कितने बिल पास कराए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी के एंकर पर्सन मदीहा आबिद अली से खुसूसी गुफ्तगु। नैब सियासत ज्यादा हो गया, या तो सबको गिरफ्तार कर ले या सबको छोड़ दे। धांधली की पिटारी से पर्दा उठेगा। हुकूमत हमें ना डराए, इंतकामी कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला करेंगे। नियाजी साहब की धौंस और धमकियां नहीं चलेंगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मैं पूरी कौम के सामने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि महंगाई हुई है। जब बिजली के रेट बढ़ेंगे, जब गैस के रेट बढ़ेंगे, जब पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई तो होगी। पर ये महंगाई क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमें जो जिस वक्त हमें हुकूमत दी गई उस वक्त ख़जाना जो था वो बिल्कुल खाली था। ये अयाशिया करके जब बादशाह सलामत जो हैं वो वापस गए हैं, तो अब बादशाह सलामत के जो नीचे शहजादे हैं वो ये कहते हैं कि जनाब महंगाई होगी। महंगाई पूछे तो सही, क्या ये हमारे आने की वजह से महंगाई होगी? महंगाई हुई है, कौम के सामने एतराफ़ करता हूँ। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। जब मुखालफिन की अपनी दुम पर पांव आता है तो बिलबिला उठते हैं। अयाशियां करके बादशाह सलामत वापस चले गए। शहजादे अब महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगु। लाहौर की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 274 से बढ़ाकर 500 करने का फैसला। एक यूनियन काउंसिल 81,000 की आबादी पर बनेगी। डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की 319 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। शहर में 6,500 बल्दियाती नुमाइंदों का इलेक्शन होगा। लाहौर न्यूज ने मुजवजा बल्दियाती निजाम के खदोखाल सामने ले आया। शहर लाहौर में मुतवस्त तबके की सवारी मोटरसाइकिल गैर महफूज हो गई। चोरों ने शहर भर से रवासाल के दौरान 57 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। एंटी मोटरसाइकिल स्क्वाड चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोहों का सुराग लगाने में नाकाम। लाहौर पुलिस में पेट्रोल का बड़ा बहरान। पुलिस का पेट्रोल बंद, गश्त बंद, निगरानी ठप। अहलकार थानों में बैठने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के इंजन खाली। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। फील्ड अफसरान की कारकर्दगी इश्तिहारियों की गिरफ्तारी से मशरूत होगी।
पुलिस लाइन्स में वाटर फिल्टर प्लांट्स और डिस्पेंसरीज बनाई जाएंगी। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का वीडियो लिंक के जरिए पुलिस अफसरान से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के अकाउंट से 36 करोड़ से जायद रकम जिला इंतजामिया के अकाउंट्स में मुंतकिल। जिला इंतजामिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। इसहाक डार की गुलबक वाली कोठी पहले ही एलडीए की तहवील में है। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को एहतसाब अदालत में पेश ना किया जा सका। कैसर अमीन भट्ट राहदारी रिमांड पर हैं, बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेजाबतियों का मामला, साबिक डीसीओ सजाद भुट्टा नैब ऑफिस में पेश। आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद का लाहौर में प्लाजे का इंकशाफ। फवाद हसन फवाद के मिल्कियती प्लाजे का नक्शा जात का रिकॉर्ड लेकर एलडीए मुलाजिम पहुंच गया। मोहम्मद यूनस नामी मुलाजिम रिकॉर्ड लेकर न पहुंचा। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस, नैब की तहकीकात मुकम्मल, रवामा रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। आशियाना इकबाल में शहबाज शरीफ, जबकि रमजान शुगर मिल केस में हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। पंजाब छपन कंपनी स्कैंडल, पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में बड़े फैसले। हुकूमत ने पंजाब का 3 अहम कंपनियों को बंद करने का फैसला कर लिया। साफ पानी की 2 कंपनियां नॉर्थ और साउथ दोनों को बंद करने का फैसला। सर्दी आई, गैस चली गई। गैस के प्रेशर में कमी और गैस की अदम फराहमी की शिकायत बढ़ने लगी। जोहर टाउन के इलाके भेड़पिंड के मकीन सड़कों पर आ गए। खवातीन और बच्चों का सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। माल भी गया और बाल भी ना रहे। मांगा मंडी में डकैती के दौरान डाकू ने ख्वाजा सरा के बाल काट दिए। कार सवार डाकू ख्वाजा सरा से लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान भी लूट कर फरार। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की याद में फैज अमन मेला, गैर मुल्की मेहमानों की आमद। भारतीय शायर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया अदाकारा शबाना आजमी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया से मुलाकात, दोनों ममालिक के माबेन सकाफती वफूद के तबादलों से तजुर्बात सीखने पर इत्तफाक। मजा आया और आज का मौसम बड़ा खुशगवार आया और मुझे यहाँ के बड़ा एंजॉय कायम है। यहाँ के खा पी एंजॉय। रोटरी क्लब की जानिब से चिड़ियाघर में खुसूसी अफराद की सालगिरह की तकरीब, 300 से ज्यादा खुसूसी अफराद की शिरकत। स्पेशल बच्चों के लिए केक काटा गया। मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जबवाना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और तलबा की कमाल महारत, तख्लीकी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की तालिबात के थीसिस की नुमाइश। गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोली, खवातीन को हर मैदान में आगे बढ़कर काम करना होगा।